श्री राम जब सीता को ब्याह कर अयोध्या आए तो अयोध्यावासी खुशी से नाच उठे। महाराज दशरथ ने जनता के आग्रह पर श्री राम को युवराज पद प्रदान करके उनके राज्याभिषेक की घोषणा की। कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से और समस्त प्रजाजनों की सम्मति से श्री दशरथ जी कल अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करेंगे। कल सूर्योदय होते ही राज युवक श्री रामचंद्र जी को कुलगुरु वशिष्ठ जी सूर्य वंश का राज्य मुकुट पहनाकर उनका राज्य तिलक करेंगे। ये सुनकर महारानी कैकेयी की एक कुटिल दासी मंथरा ने कैकेयी के कानों में विष खोल दिया। मारा गले में मत डालो रानी, गला काट कर फेंक दो, जिससे तुम्हारे बुरे दिन अपनी आंखों से न देखूं। चुप रह, व्यर्थ की गाल बजाई जा रही है। ओह, लगता है तुझे लखन लाला ने कुछ कहा है, क्योंकि मेरा राम वो तो किसी को कोई कड़वी बात कभी कह ही नहीं सकता। क्यों कहेगा, सबसे मीठा रहकर ही तो सारी अयोध्या का राज हड़प कर जाएगा। राम बड़ा है, वही राजा बनेगा, और फिर सूर्यवंश की रीति यही है। उस रीति का परिणाम भी सोचा है कभी? राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास, और तुम बनोगी दासी। तेरी तो बुद्धि मारी गई है। बुद्धि मेरी मारी गई है या तुम्हारी? रानी, वो दिन भूल जाओ जब राम तुम्हारे स्नेह का स्वांग करता था, भरत को प्राणों से ज्यादा प्यार का ढोंग बताता था। अब तो भरत के प्राणों की चिंता करो, भरत राम के रास्ते का कांटा है, उसको हटाने के लिए ना जाने राम कैसे कैसे षड्यंत्र रचेगा। हे भगवान, हे प्रभु, मेरे भरत की रक्षा करो, मेरे भरत की रक्षा करो प्रभु। इसी दुख के मारे कह रही हूँ, मेरा क्या, तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या का, मैं तो रानी बनने वाली नहीं, पर तू राजा की चहेती रानी बनकर अकड़ रही है ना, तू दासी बन जाएगी मेरी तरह। दासी? दासी? किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? किसकी दासी बनूंगी मैं? अपनी सौत की, वो तुझसे अपने चरण धुलवाएगी। चरण? दीदी, मेरी भोली रानी, तू सौत का विष नहीं जानती। सौत मिट्टी की भी हो, वो भी जहरीली नागन होती है। नहीं, मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। सौत की दासी बनने से पहले मैं विषपान करके मर जाऊंगी। मरने की क्यों सोचती है मूर्ख? जीतने की सोच। ये सोच कि सौत की जीती हुई बाजू कैसी पलट जाए, राम की जगह तेरा बेटा राजा बने। अब लगती हो दशरथ के हृदय आसन पर विराजमान एक साम्राज्ञी। आओ बैठो मेरे पास। सुनो, सारे नगर में कैसी हर्ष ध्वनि हो रही है, प्रजा राम का राज्याभिषेक मना रही है। वो तो मैं सुन ही रही हूँ, किंतु आप पहले मेरी अधूरी बात तो पूरी कीजिए। मेरे वो दो वरदान। आज्ञा करो, बोलो क्या चाहिए। मुझे तो बस मेरे दो वरदान चाहिए। पहले ये मांगूं या ये मांगूं?
कोई भी जो चाहो। मेरा ये वरदान कहता है अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। क्या भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। क्या? राम को वनवास? हाँ महाराज, 14 वर्ष तक राम तपस्वी की तरह मुनि वेश में वन में रहे, उनका किसी भी नगर में जाना वर्जित हो। गई। जानती हो तुम क्या मांग रही हो? भली भांति जानती हूं महाराज मैं क्या मांग रही हूं। नहीं नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? ये वर मैं कैसे दे सकता हूं? बड़ी उदारता से बड़े सत्यवादी बनकर क्या सोचकर आपने कहा था? मांगो, क्या मांगती हो, जो चाहे मांगो। क्या सोचा था आपने कि ये भोली भाली कहके थोड़ा सा चना चबेना मांगेगी? अरे मैं एक राजा की पुत्री हूं, एक राजा की धर्म पत्नी हूं, एक राज्य से भी भला कम क्या मांग सकती हूँ? ये नहीं सोचा था आपने? सोचना चाहिए था पर सोचा नहीं। इसमें तुम्हारा दोष नहीं, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे असली रूप को नहीं पहचाना। मैं जिसे एक हीरे का हार समझकर गले से लिपटाए फिर रहा था, वो एक नागिन निकली। महाराज आप तो स्त्रियों की तरह गाली देने लगे, कैसे वीर पुरुष हैं आप। मुझे तो आप पे हंसी आ रही है। तुम क्या हंसोगी? हंसेगा तो सारा संसार मुझ पर रानी, जब लोग कहेंगे कि बूढ़ा स्त्री के मोह में ऐसा अंधा हो गया कि राम जैसे धर्मात्मा पुत्र को वन में भेज दिया, तो उन्हें क्या उत्तर दूंगा? नारी तो देवी का रूप होती है, परंतु तू हमारे कुल का नाश करने आई है। हे भगवान, मैंने ऐसी नारी का विश्वास क्यों किया? इतना संताप क्यों कर रहे हैं महाराज? मैं कोई मोल ली हुई तो नहीं आई, या भरत आपका पुत्र नहीं? ठीक है, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप अपना वचन पूरा नहीं करना चाहते। कान खोल कर सुन लीजिए, राम के अभिषेक से पहले आपको मेरी चिता को अग्नि देनी होगी। आज अयोध्या के राजद्वार से राम या तो वन जाएगा या कहके की अर्थी निकलेगी। महाराज दशरथ स्वयं अपने मुंह से राम को वन जाने की आज्ञा न दे सके तो कहकई ने ही महाराज की ओर से राम को अपने महल में बुला लिया। पिताश्री, आपकी आज्ञा से मैं राम आपकी सेवा में उपस्थित हूं। राम, माता आप ही मुझे महाराज के दुख का असली कारण बताइए और यह भी बताइए कि उसका निवारण क्या हो सकता है।
यदि तुम चाहो तो इनके रोग का निवारण हो सकता है। माता, आपको ये शंका क्यों है कि मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा? बात ही ऐसी है मां, जिस राम को आपने बचपन से अपनी गोद में पाला है, आप उसी राम पर संदेह कर रही हैं? मैंने अवश्य ही कोई घोर अपराध किया है जिसके कारण मेरे पिता मुझसे बात नहीं करते। मेरी माता मुझ पर संदेह कर रही हैं। नहीं ये तो मैं जानती हूं कि तू सत्य वचन से हटने वाला नहीं, परंतु परंतु क्या मां, आप केवल संकेत कर दें तो मैं आपके चरणों के लिए अपनी चमड़ी के जूते बनवा दूं। पिता के भांति आपका भी उतना ही अधिकार है मुझ पर, इसलिए यदि वो नहीं कहते तो उनकी ओर से आप ही कहिए। मैं क्या करूं जिससे आपको संतोष हो? तुम कहते हो तो मैं बता देती हूं। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे दो वर दिए थे और कहा था जब जी चाहे मांग लेना। आज मैंने अपने वो दोनों वर मांग लिए। अब यदि वो मेरे वर मानते हैं तो पुत्र का मोह रास्ते में आता है, यदि नहीं मानते तो धर्म और सत्य पर कलंक लगता है। ये बेचारे इसी धर्म संकट में पड़ गए। तुम्हारे संकोचवश तुमसे कह नहीं पा रहे। वो दोनों वर क्या है माता? पहला ये है कि तुम्हारे जगह भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा? दूसरा ये कि तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। बस इतनी सी बात पर इतना विवाद था? भरत को राज्य देने के लिए तो मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं। उस जैसे भाई को तो मैं राज्य स्वयं प्रसन्नता से दे दूंगा। रहा वनगमन तो लगता है मेरे कोई पुण्य जाग उठे जो आपकी आज्ञा से मुझे वहां जाने का अवसर मिल रहा है जहां ऐसे ऐसे महान ऋषियों और मुनियों के दर्शन कर सकूंगा जिनका तेज तीनों लोगों को प्रकाशित कर सकता है। मां, मेरा तो चारों ओर से कल्याण हो गया। पिता की आज्ञा का पालन, मां की इच्छा का अनुकरण, छोटे भाई का राज्याभिषेक और मुनि दर्शन से मेरा कल्याण। भैया भैया, जो मैं ये सुन रहा हूं क्या सच है कि कई के कहने पर महाराज ने आपसे राज छीन लिया? लक्ष्मण, माता कैकई को कैकई कहकर कब से पुकारना सीख लिया तुमने? आप बुलाओ उसे माता, मैं उस कुल घटनी को माता नहीं कहूंगा और मैं यह न्याय भी कभी नहीं होने दूंगा। भैया, मेरा यह धनुष केवल शोभा की वस्तु नहीं है, मैं इस धनुष से महाराज की चतुर्गणी सेना का अकेला सामना कर सकता हूं। लक्ष्मण, महाराज ने क्या समझा? राम बड़ा विनयशील है, वो चुपचाप सब कुछ सहन कर लेगा। उन्हें नहीं मालूम कि राम के नाम पर मर मिटने वाले लोग चुप नहीं रहेंगे, सारी जनता विरोध कर देगी। और फिर जनता की भी क्या आवश्यकता है, उनका ये दास लक्ष्मण अकेला ही महाराज और उनकी पूरी सेना के लिए पर्याप्त है। और भरत भी आ गया तो उसे भी छठी का दूध याद दिला दूंगा। चुप रहो लक्ष्मण, अनर्गल बातें मत करो। आप बीच में मत पड़ो भैया, अन्याय सेना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। शत्रु वार करे और क्षत्रिय उसका उत्तर न दे, ये उसकी वीरता पर धिक्कार है। जो राज सिंहासन प्रजा में घोषणा करके आपको दिया जा चुका है, उस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी कोई नहीं हो सकता, स्वयं महाराज भी नहीं। भैया, आपका ये लक्ष्मण यदि मर नहीं गया तो उस सिंहासन पर महारानी सीता के साथ आप विराजमान होंगे। महाराज दशरथ और उनके चहेते भरत दोनों आपके दरबार में करवद्ध खड़े होंगे। वाह वाह, कितना सुंदर चित्र है।
पिता हाथ बांधे सामने खड़ा है और पुत्र अपनी पत्नी के साथ आसन पर बैठा उन्हें आज्ञा दे रहा है। आकाश से उतरकर देवता भी आएंगे इस दृश्य को देखने के लिए कि अयोध्या में मानव सभ्यता ने कितनी उन्नति कर ली है। परंतु जब पिता ही अपने आचरण से गिर जाए अपने धर्मात्मा पुत्र को एक स्त्री के सामने। बस करो लक्ष्मण, बस। यदि तुम्हारे इतने ही नीच विचार हैं तो मुझे भैया कहना छोड़ दो और आज के बाद मुझे अपना मुंह न दिखाना। भैया यह आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगा? भैया आप मेरे भगवान हैं। आपके साथ कोई अन्याय करे, आपके साथ कोई अत्याचार करने की बात करे, मैं कैसे चुप रहूं? ये तुमसे किसने कह दिया कि मुझ पर कोई अन्याय हो रहा है या मुझ पर कोई अत्याचार हो रहा है? ये बातें जो तुमने कही, अत्याचार तो ये है जो तुम अपने बड़े भाई पर कर रहे हो और अपने पिता पर कर रहे हो। पिता पर? हाँ, पिताश्री पर। उनकी पीड़ा को समझते हो? जानते हो कि उनकी समस्या क्या है? जानते हो कि उन जैसा धीर वीर पुरुष इस समय किस धर्म संकट में है? जो स्त्री मोह में फंसेगा उसकी यही दशा होगी। उनका संकट स्त्री मोह नहीं है, उनका संकट है धर्म। हाँ धर्म। आज एक सत्यवादी राजा का धर्म एक पिता के धर्म से टकरा रहा है। वो सत्य का पालन करें या पिता के धर्म को निभाएं, यही समस्या उनके दुख का कारण है। एक राजा ने किसी को वचन दिया कि जो मांगे वो दूंगा, और मांगने वाले ने वो वचन मांगा है जिससे राजा को अपने सबसे प्रिय पुत्र का बलिदान करना पड़ रहा है। यदि वो वचन को तोड़े तो न केवल अपने सुकृत नष्ट करें बल्कि संपूर्ण कुल की कीर्ति को कलंक लगा दें, और यदि वो वचन रखें तो वो पुत्र जिसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते उसे वन के कांटे कंकर में धकेल दें 14 वर्ष के लिए। लक्ष्मण तुम उनकी पीड़ा क्यों नहीं समझते? उनकी अवस्था आज उस घायल शेर की तरह है जो किसी शिकारी के जाल में फंस गया है, और ऐसे असहाय शेर पर तुम अपने तीर चलाकर अपनी वीरता दिखाना चाहते हो। धिक्कार है ऐसी वीरता पर। ऐसे धर्मात्मा पिता के बारे में ऐसा सोचकर भी तुमने पाप किया है जिसका प्रायश्चित हम सबको करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। उन्हें यदि अपने धर्म की चिंता ना होती तो आज वो इतने दुखी ना होते। आज जब मैंने उन्हें इतनी निस्सहाय अवस्था में देखा तो मुझे अपने ऊपर ग्लानी हो आई कि मेरे कारण मेरा वीर महान और धर्मात्मा पिता इतना दुखी है। मैंने अपना कर्तव्य निश्चित करने में एक पल की भी देरी नहीं की, क्योंकि पुत्र होने के नाते मेरा एक ही कर्तव्य है कि मैं वही काम करूं जिसमें उनके सत्य, उनके धर्म, उनकी प्रतिज्ञा की क्षति ना हो बल्कि उनकी कीर्ति बढ़े, उनका यश मलिन ना हो। लक्ष्मण हमारे जैसे पिता तो किसी को बड़े भाग्य से मिलते हैं, परंतु यदि किसी का पिता दुराचारी भी हो, चाहे संसार उसे त्याग भी दे, तो भी पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता को भगवान की तरह पूजे, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता होता है। लक्ष्मण जो पिता की भक्ति नहीं करते देवता तो क्या, स्वयं भगवान भी उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करता। संसार में बहुत सी अनहोनी बातें ऐसी होती हैं जो मनुष्य की समझ में नहीं आती। अकस्मात एक दिन कोई भूकंप आता है जो मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देता है। ऐसे समय किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, उसे दैववश मानकर अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। आज जो हो रहा है
वो होनी करा रही है। ये विधना है जिसने माता कैकई जैसी स्नेहमयी और पुण्यशीला स्त्री को ऐसी बुद्धि दे दी है। यदि यह होनी है तो मैं होनी से भी नहीं हारना चाहता। वीरों के पुरुषार्थ की परीक्षा ऐसे ही आपत्ति काल में होती है। आपत्ति काल में केवल वीरता की ही परीक्षा नहीं होती, मनुष्य के धर्म की भी परीक्षा होती है। जब श्री राम ने पिता का वचन निभाने के लिए वन जाने का निर्णय किया तो पतिव्रता सीता ने भी अपने पति का साथ देने के लिए उनके साथ वन जाने की तैयारी कर ली। लक्ष्मण भी श्री राम के बिना अयोध्या में रहने को तैयार ना हुआ और तीनों मुनि वेश धारण करके राजमहल से वन की ओर चल दिए। आओ चले। मेरे राम को रोको। मेरे राम। क्या कर रहे हैं महाराज? हट जा, मेरे राम, हट जा मेरे सामने से, जान डालिनी। आज इसी समय हम तुम्हारा परित्याग करते हैं। हम सबके सामने ये घोषणा करते हैं कि विवाह के समय हमने पवित्र अग्नि के सामने जो वचन दिए थे सब समाप्त हो गए। इसके पश्चात इस लोक और परलोक में भी तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। आज से अपने आप को विधवा समझ दूं, विधवा। श्री राम ने अयोध्या से निकलकर अपने सखा निषाद राज के साथ पहले गंगा नदी को पार किया। फिर प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज के दर्शन किए। तत्पश्चात यमुना नदी को पार करते समय उन्होंने अपने सखा निषाद राज को भी छोड़ दिया और स्वयं चित्रकूट की ओर चले गए।
गहरी लखन के हाथों में पतवार आगे बन है पथ निर्जन है ना कोई संग श्री राम के जाने के बाद उनके पिता महाराज दशरथ ने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। अयोध्या में जब यह कांड हो रहा था भरत उस समय अपने ननिहाल गया हुआ था। वहां से लौटने के बाद जब उसे पता चला कि पिता की आज्ञा से श्री राम वन को चले गए हैं तो उन्होंने अपनी माता कैकेयी से पूछा, वनवास? भैया राम को वनवास? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह दंड तो भयंकर अपराधियों को दिया जाता है। मेरे राम भैया तो सत्य धर्म और मर्यादा की मूर्ति है, फिर उन्हें दंड किस कारण दिया गया? बोलो माता क्या दोष था उनका? किसी का कोई दोष नहीं था भरत, केवल वचन पालने की बात थी। और तुम्हारे पिता ने एक सत्यनिष्ठ धर्म परायण की तरह अपने वचन को पालन करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वचन? कौन सा वचन? किसे दिया था उन्होंने ये वचन? मुझे। आपको? क्या वचन दिया था उन्होंने आपको? ये एक लंबी कहानी है, बाद में सुनना। अभी तुम यात्रा से थके हुए आए हो, थोड़ा विश्राम कर लो। तुम्हें बहुत सारे कर्तव्य निभाने हैं। अपने पिता का अंतिम संस्कार करना है, अयोध्या का राज्यभार संभालना है। एक राजा को बालकों की भांति बिलखना शोभा नहीं देता। ये आंसू बहाने का समय नहीं है। तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने माता, यह समय आंसू बहाने का नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे राजमहल में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया हो। किसी दुष्ट ने हमारे वंश का सर्वनाश करने के लिए हमारे सुख और शांति से भरे जीवन में विष घोल दिया है। मेरा पहला कर्तव्य तो यह बनता है कि उस षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचकर उसे दंड दूं जिसने मेरे पिता की हत्या की है, जिसने मेरे भैया राम को देश निकाला दिया है। जिस पापी ने हमारे वंश पर ऐसा क्रूर आघात किया है, मैं उसे कभी जीवित नहीं छोड़ सकता, कभी जीवित नहीं छोड़ सकता। तो क्या तू उसे प्राण दंड देगा? अवश्य,
चाहे वह स्वयं काल ही क्यों ना हो। तो तुझे वो दंड मुझे देना होगा। आपको? हाँ, मुझे। मैंने ही महाराज से दो वचन मांगे थे। महाराज ने मुझे दो वर दिए थे, कहा था जब जी चाहे मांग लेना। इधर तेरे जाने के पश्चात कौशल्या के कहने से महाराज ने राम के राज्य अभिषेक के लिए निश्चय कर लिया। महारानी कौशल्या ने सोचा कैकेयी का पुत्र भरत तो यहां है नहीं, अवसर का लाभ उठाकर अपने पुत्र को राजा क्यों न बना दे। किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मेरे होते हुए तुझे इस राज्य से कोई भी वंचित नहीं कर सकता था। मैंने महाराज से अपने दोनों वर मांग लिए, तेरे लिए अयोध्या का राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। सारा काम बड़ी सुगमता से हो गया था, किंतु विधाता ने बीच में थोड़ी सी उथल पुथल कर दी। महाराज राम के विछोह में स्वर्ग सिधार गए। मैं जानती हूं पिता के स्वर्गवास से तुम्हें महान दुख हो रहा है, वो तो हम सबको है। महाराज तो अब लौट कर आएंगे नहीं, किंतु तुम्हें उनके वचन का पालन अवश्य करना है। उनके वचनानुसार तुम इस विशाल साम्राज्य के एक छत्र सम्राट हो। ये निष्कंटक राज तुम्हारा है, इसीलिए कहती हूं अब धैर्य धरो और अपना राज्य सिंहासन संभालो। राजन, भरत, किसी साधारण मनुष्य का इस परिस्थिति में शोकाकुल होना तो स्वाभाविक है, किंतु तुम तो साधारण नहीं हो। तुम तो सत्य प्रज्ञ हो, सदाचारी हो, तुम्हारी बुद्धि वेदों का अनुसरण करने वाली है। इस समय तुम्हें एक राजा का कर्तव्य निभाना है। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे भले के लिए ही तो किया है। तूने मेरा भला नहीं किया है, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। इस कुकर्म से तूने मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया। अरे पापिनी कुलनाशिनी, इससे अच्छा तो यह होता कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन अपने हाथों से मेरा गला घोट कर मुझे मार देती, जिससे आज मैं अपहेश की मौत तो ना मरता। मेरे भाग्य की विडंबना को देखो, मुझे रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला। वीर पराक्रमी सत्यनिष्ठ और परम धर्मात्मा दशरथ जैसा पिता मिला, तीनों लोकों में वंदनीय श्रीराम जैसा भाई मिला, और तुझ जैसी पापन कुलनाशिनी और नीच माता के गर्भ से जन्म दिया गया। हे विधाता, इससे बड़ा परिहास तो किसी और के साथ क्या कर सकता है। अरे पापन, परम धर्मात्मा श्री राम को वन में भेजने की बात कहते हुए तुम्हारे जीवा के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? तू भावना के आवेग में अपने भले की बात नहीं समझ रहा है, मूर्ख, अपने भाग्य को ठुकराना चाहता है। अरे मेरे भाग्य तो उसी दिन फूट गए जिस दिन मेरे श्रीराम भैया वन को चले गए। वो श्रीराम भैया जो तुम्हें अपनी माता से अधिक स्नेह करते थे, वो कौशल्या माता जो तुम्हें अपनी बहन से अधिक समझती थी, उनके इकलौते पुत्र को वन में भेजते हुए तुम्हारे आत्मा ने चीत्कार नहीं किया? तुम्हारा हृदय खंड खंड नहीं हो गया? ऐसा क्रूर वरदान मांगते हुए तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े? तुम्हारी जीवा गल क्यों नहीं गई? ये तो कैसी मूर्खता की बातें कर रहा है? तू क्यों नहीं समझता हर मां को अपने पुत्र को बड़ा बनाने का लोभ होता है? लोभ?
लोभ भी तो पाप की जड़ है। लोभ मनुष्य को तेरी तरह अंधा कर देता है, जिसे पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं दिखाई देता। अरे श्री राम से मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी प्यार करते हैं, लेकिन तू तो उनसे भी गिरी हुई निकली, जिसने उन्हें घर से निकाल दिया। तू नारी नहीं, मानवता से गिरी कोई राक्षसी है, राक्षसी। मैंने जो कुछ भी किया तेरे लिए किया है। मैं तेरी माँ हूं भरत, तेरी माँ हूं। नहीं, नहीं, आज के बाद तू मेरी माँ।